कार टूर के पिछली वीडियो में देखा आपने कि हम मनसा देवी के दर्शन करके आए थे। अब आ चुके हैं हम माता चंडी देवी के दर्शन करने। जी हाँ, आप यहीं हर की पौड़ी से आप टैक्सी कर लीजिएगा, 30 रुपये में आपको यहाँ चंडी का देवी छोड़ देगी। तो अब यहाँ पे दर्शन करते हैं, चढ़ाई बस चालू कर दी है भाई, माता रानी दर्शन करते हैं। प्रसाद भी आपको यहाँ 50 रुपये का मिल जाएगा, वहाँ भी 50 रुपये का मिल रहा था, तो दोनों जगह सेम प्राइस है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो चलिए अब यहाँ की ट्रैकिंग करते हैं। जय माता दी। ये देख सकते हैं यहाँ की ट्रैकिंग कुछ इस तरह स्टार्ट है। वहाँ पे वो टैक्सी वाले आपको छोड़ देंगे, सीढ़ी भी है पर ये पैदल यात्रा भी है, तो हम पैदल यात्रा प्रेफर करेंगे क्योंकि सीढ़ी भाई क्या है कि मतलब सीढ़ी ऐसे होती है तो मतलब वो थोड़ा सा थकान उसमें हो जाती है, इसलिए ये पैदल यात्रा क्या अपना चलते 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 चलेगा। तो यहाँ से हम लोग चलते जाएंगे और बीच बीच में आपको प्रसाद वाले और पानी जगह जगह शॉप्स मिल जाएंगी आपको, तो अगर भूख प्यास भी लगी हो तो आप उसके लिए भी इंतजाम है। वो देख सकते हो ऊपर छोटा सा दिख रहा होगा मंदिर, वहीं तक जाना है। धूप का समय है पर कोई बात नहीं, चलेंगे वहाँ से होकर हम यहाँ भी ऊपर चलेंगे। तो फाइनली प्रसाद ले लिया है, अब चढ़ाई शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। देखते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई, रंजन थक चुके हैं, अब इनका स्टैमिना यहाँ पे देखा जाएगा। भाई देख सकते हैं आजू बाजू कुछ नहीं है, इधर जंगल जंगल पूरा, खाई खाई ढलान पूरी खड़ी गई हुई है, पूरा अपना ताकत लग रही है। ये देखिए टूटा टाटा भी है पर कोई बात नहीं, थ्रिल है, एडवेंचर है, हो जाएगा। वो देखिए वो दरबार दिख रहा है, वहीं जाना है अपन को। जय माता दी। चलेंगे भाई, पहुंचेंगे जरूर, पहुंचेंगे। धूप खड़ी दोपहर है भाई, 12:30 बज रहा है, धूप भी काफ़ी कसकी हो चुकी है पर कुछ बात नहीं, चढ़ेंगे चढ़ेंगे। कहाँ शॉर्टकट है, रास्ता है, चल जा चल जा। आ रहे आने क्या है? अभी खड़ा चाहिए वो। ये दोनों थक गए हैं पर हमारा सफर अभी जारी है, अब आए हैं तो पूरा तो करके जाएंगे भाई। जय माता दी। देख सकते हैं चढ़ाई कितनी खड़ी है और इतनी धूप में भाई, वो ऊपर जाना है टॉप पे और ये बीच बीच में शॉर्टकट भी गया है। चलो शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट लेंगे, ये लॉन्ग कट जाता है, शॉर्टकट लेते हैं। अब यहाँ पे तो वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि फोन रखना पड़ेगा जेब में, जंगल के बीच से गया हुआ है, अब ऊपर चल के ही आपको दिखाते हैं। शॉर्टकट मिल गया, पानी पी के फिर चलते हैं, थक गए हैं, धूप भी लग रही है कि अपन कभी चले नहीं ना इतना। हाँ मतलब बहुत टाइम बाद, मेरे ख्याल से मैं हरिद्वार आया हूँ आफ्टर 7 to 8 years। मैं भी 6 years बाद आया हूँ और ये 6 भी थक चुके हैं, ये भी थक चुके हैं पर कोई बात नहीं, ये दोनों फर्स्ट टाइम है। यात्रा पूरी कंप्लीट करेंगे। अरे भाई ये दो है, जीना उतरे, ये चढ़ाई खड़ी देख सकते हैं, सबकी हालत खराब है, पानी पी, लेकिन माता रानी शक्ति देंगे, अपन चढ़ के जाएंगे, चढ़ के जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं आपको ऊपर से। ये मेरे को शॉर्टकट टाड़ा कोई तरीका शॉर्टकट नहीं लग रहा, कहा नहीं लग रहा, ये पूरा एक वो तुम्हारी लेन कवर कर रही है। देख सकते हैं भाई ये पहला शॉर्टकट चढ़ाए हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, अब दूसरा ट्राई करेंगे, अब दूसरा ट्राई। यहाँ एक मिनट का ब्रेक, देख सकते हैं कैसे लगा, एजेड लेडीज चढ़ रही है तो हम जैसे नौजवान क्यों नहीं चढ़ सकते, छोटी छोटी बच्चियाँ चढ़ रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ चढ़ जाओ इसी बात पे, क्या हुआ दादी ना चढ़ पाई हो, आराम दादी आ गई। चलो अच्छा आप
उस पर जाओ। हाँ पर हम लोग जाएंगे, वो देखिए कुछ लेडीज़ें जा रही हैं, ये भी पार करेंगे। जय माता दी। भाई हम लोग शॉर्टकट पे शॉर्टकट चढ़ते चढ़ते आ रहे हैं। चार क्रॉस किया, फिर अभी भी थोड़ा सा बाकी, बस वो भी क्रॉस होगा। हौसला है बुलंद, हम ना खुले, इनका भी हौसला बुलंद है। बस अब सामने सीढ़ी है मंदिर की, सबका हौसला बुलंद है। ये देखिए सब लोग वापस आ रहे हैं। बाबा बस सीढ़ी है यार, अब बस यार शॉर्टकट कदम यहाँ सीढ़ी बस। हाँ वो मंदिर, उधर मंदिर चल जाएंगे भाई, चल जाएंगे, वी कैन डू इट। ये देखिए माता रानी का दरबार दिख रहा है यहाँ से, बस थोड़ा सा और। जय माता दी। ये आप देख सकते हैं सड़क जो है टूट चुकी है ध्यान से भाई, और वो देखिए सामने का कितना प्यारा व्यू। तीन लोग आते चढ़ते हुए, माता रानी का नारा लगा लगा के चढ़ जाएंगे, पर चढ़ेंगे जरूर। हाँ और ये देखिए पहाड़ ही पहाड़, नीचे इधर खाई इधर पहाड़, बस थोड़ा सा और बाकी है। अब मिलते हैं आपको सीधा ऊपर माता रानी के दरबार के पास। यहाँ से आप एक बार व्यू देख लीजिए पहले प्यारा सा, है ना? ये देखिए हजार की पट्टी उस तरफ है, पूरा व्यू ये वाली नहीं है, हम लोग मानसा देवी की तरफ, मानसा देवी में उधर साइड, ये देखिए ये पहाड़। अबे तू चल रहा है अरे आप क्यों रंजन, थ्रिल एडवेंचर सब चीज़ है। और ऐसे अगर एक एक दिन का हम टूर बनाएंगे तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये अतुल आते हुए, हवा भाई अच्छी चल रही है, एकदम वापस कंटिन्यू चढ़ाई करते हुए। साथ चलो, अकेले चलोगे तो और रोते हो जाओ। हवा कितनी अच्छी चल रही है, पीछे देखे सब लोग आ रहे हैं। ज्यादा देर बैठोगे पैर में दर्द होने लगेगा यार। व्यू देखिए यहाँ पे पहाड़ के आए हैं। ट्रॉली का किराया पूछा तो परफेक्ट ट्रॉली का बता दूं आपको 195 है आना जाना, और एक तरफ का लोगे तो आप 100 रुपए का ज्यादा बेटर रहेगा। 195 का आप आना जाना करा लीजिए। क्लिक माय वन फोटो प्लीज। नहीं लेकिन फोटो लेने के लिए कह रहे हैं, फोटो लेते हैं फिर चलते हैं वहाँ दरबार। देखिए ज्यादा दरबार दूर नहीं है, देख सकते पीछे हमारे। फाइनली माता रानी के दरबार पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ पे ऊपर आके पता चला कि दूसरी रास्ता भी आई है। रुके बैक कैमरा दिखाते हैं आपको, हमारे साथ रंजन भाई भी आ गए हैं पीछे। जय माता दी। जय माता। देखते हैं दरबार माता रानी का, और ये दूसरी रास्ता की मैं बात कर रहा था जो आई हुई है, ये पता नहीं कहाँ से आई है। हम लोग इस रास्ते से आए थे, अभी अगर वापसी में जाना होगा तो दूसरी रास्ता भी कवर करेंगे, दिखाएंगे आपको। और देख सकते हैं माता रानी का दरबार, यहाँ आपको पूजा वूजा की और मतलब काफ़ी कुछ खाने पीने की सामान मिल जाएंगी। आ गया दरबार वो, और आजू बाजू घर भी बने हुए हैं। चलिए अब दरबार के अंदर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। बच्चा तो खाएगा ही खाएगा भाई। व्यू देखिए भाई आप, व्यू व्यू देखिए आप, तो भाई मंदिर परिसर में आ चुके हैं। आप जैसे यहाँ पे आएंगे आपको प्रसाद की दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ पे आप अपने मतलब चप्पल जूते वगैरह सामान वगैरह रख सकते हो, और वहाँ से आप प्रसाद भी खरीद सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।
तो हमने भी वही किया। तो वैसे चप्पल जूते रखने का तो कोई कॉस्ट नहीं है, पर ये है कि अगर आप रख रहे हो उनकी दुकान में तो कुछ ना कुछ ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। जय माता दी। ये मंदिर का एंट्री, पता नहीं अंदर वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं, मैं तो अभी बंद कर रहा हूँ, अंदर जाके देखूँगा भाई। ये देख सकते हैं लाइन में खड़े हुए हैं, ये माता रानी का दरबार, लाइन में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे नवरात्रि का सीजन है, उस हिसाब से तो ज़्यादा भीड़ है नहीं, अगर आप दर्शन करने यहाँ वीक नवरात्रि हो चाहे ना सैटरडे संडे का। अच्छा, तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं बिल्कुल। और रही बात गंगा जी के पानी की, तो वो तो आपको ठंडा मिलेगा अभी इस मौसम में। क्यों, हम लोग जैसे उतरे भाई इतना ठंडा पानी, मतलब बॉडी एक तरफ से जम सी गई, दिमाग काम नहीं कर रहा, पर फिर जैसे जैसे टेम्परेचर में ढली बॉडी वैसे वैसे थोड़ा सही हुआ। आप ये देखिए माता रानी के दरबार में भीड़ लगी है। तो मंदिर के भाई अंदर जितना मैं हो सका दिखा दिया मैंने आपको, वहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा अलाउड नहीं था, फिर भी थोड़ा चुपके से मार दिया। तो दर्शन करके आके प्रसाद चढ़ा दिया, अब यहाँ के मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे थोड़ी सी मार्केट आपको दिखेगी, रुकिए देखिए, प्रसाद की और कुछ मतलब जो सामान लेनी हो आपकी ले सकते हैं यहाँ पे। ये आपके ऊपर है भाई कि आपको क्या लेना है, वो तो सबका अपना अपना वो है, पर मेरा काम था बताना जो मैं बता रहा हूँ। और लो बजट में स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा मोटिव रहेगा कि लो बजट में आपको दिखाना, तो हम जो जितना लो बजट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वही कर रहे हैं। कि आपने देखा कैसे कैसे हम आए और कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ, प्रसाद वही 50 रुपये, और जो आप अपनी तरफ से दान पुण्य करना चाहते हैं वो आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। बाकी जो आप सामान लेना चाहते हैं देख सकते हैं मार्केट, ये देखिए मंदिर के जैसे ही आप निकलेंगे छोटी सी मार्केट, यहाँ से यहाँ दुकानें आ जाएगी। और ये थोड़ा सा व्यू देखिए, जैसे ही आप मंदिर से निकल के आएंगे मार्केट से निकल के आएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखेंगे स्कूटी, देख सकते हैं इतने सारे स्कूटी लगे, इसलिए क्योंकि आप इनसे नीचे भी जा सकते हैं किराए पे रेंट पे और ऊपर भी आ सकते हैं, आपको बताया था। और इस मंदिर के जस्ट पीछे बैक साइड वो रोपवे गई, उसका आपको चार्ज मैंने बता ही दिया था। तो स्कूटी का चार्ज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी पूछ के, कंफर्म पूछ के। तो भाई वहाँ से मतलब चंडिका देवी माता जी के दर्शन करके सीधा रास्ता ही गई हुई है, दूसरा मंदिर बना हुआ है अंजनी माता का। तो अब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ भी एक बार आप पत्थर देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने, तो रास्ता आपको दिखा देते हैं मंदिर के दरबार का, फिर मंदिर के दरबार पहुँचते हैं। रास्ता गया हुआ है, ये उधर से आया हुआ है, वहीं आप चंडिका माता मंदिर के जैसे सामने निकलेंगे मार्केट से तो उसी के सामने रास्ता मिल जाएगा, और वो रहा ऊपर माता रानी का दरबार। दो जने ये देखिए श्री हनुमान जी ये लिखा हुआ है, हनुमान जी की माता अंजनी देवी। तो ये रास्ता गया हुआ है माता अंजनी देवी की तरफ, तो चलिए चलते हैं। आप एक बार रास्ता देख लीजिए, और वो देखिए वो मनसा देवी के लाल लाल दिख रहा होगा आपको, देखा ये है। चलिए अब ऊपर ये देखिए हनुमान जी के भक्त, ऊपर चलते हैं। दरबार में पहुंच गए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे ढाबा आपको मिल जाएंगे खाने वाले के प्रसाद के साथ की दुकानें मिल जाएंगी। और ये दरबार में जाते हैं, पीछे से दिखाते हैं आपको कैसा लगता है माता जी का दरबार। अपने हाथों से और भैया
ये रहा माता अंजनी का दरबार, यहाँ पे मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। यही आखिरी था, इसके बाद नीचे उतरना है, थोड़ा आराम करेंगे फिर नीचे, पहले दर्शन कर लेते हैं। और जैसे आप माता के दरबार से निकलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेसेस जो आप पहन के फोटो खिंचा सकते हैं। भैया खींचते फोटो, भैया क्या रेट है फोटो का? 200 रुपये। 200 रुपये में आप किस कोई भी ड्रेस, मतलब कश्मीरी हो गई या देख सकते हैं आप ड्रेसेस, इन ड्रेसेस को पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं। और यहाँ के प्रसाद का बताऊँ तो 10 रुपये में आपको यहाँ का प्रसाद मिल जाएगा माता अंजनी का। आप यहाँ से चलते हैं अंदर, दर्शन तो हो गए, अब यहाँ से चलते हैं, जूते लेते हैं, जूते पहनते हैं, फिर चलते नीचे। तो फाइनली भाई देख सकते हैं उतर आए हम लोग, पर यार हम लोग आए उसी रास्ते से क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे बैग जो है रखे हुए थे, बैग यहीं रखे थे, इतना हमारी बैग कौन ऊपर ले जाता। तो देखना कि चंडिका माता के भी दर्शन हो गए और ऊपर एक माता अंजनी की, उनके भी दर्शन हो गए। तो रास्ते में कुछ दिखाई नहीं, वही रास्ता था। तो अब उतर आए हैं, तो अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, हद काफ़ी ज़्यादा गए हैं। अब आगे का कोई प्लान बनेगा वो आपको हम एक्सप्लोर करा देंगे वीडियो बना के, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई प्लीज़ लाइक करना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा फुल टूर दे रहे हैं आपको, लो से लो बजट में एक एक चीज़ बता रहे हैं, तो थोड़ा तो बनता है। तो अब कहीं जाने का प्लान बनेगा तो वहीं बताएंगे आपको, वीडियो को यहीं करते हैं।